पहली बार एहसास हुआ कि भूकंप आते समय कैसा होता है। ये जो हमारा घर है पूरा हिल गया था। जो आकर बैठा है इधर हस्बैंड जी के साथ, देखिए कुकू को। तो दोस्तों टाइम जो है बहुत हो गया है, 8:30 बज चुके हैं और अभी भी जो है देखिए हस्बैंड जी ने जो है फेवरेट बनाया। दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम भी ठीक है और अच्छे हैं। तो मिलिए रिदम से। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के और एक ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों टाइम जो है अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो आज जो है पूजा भी मजदूरी करने लगी है। तो मैं जो है अपने मालिक का ही मजदूरी कर रहा हूँ, नीचे पानी दे रहा हूँ। तो पूजा जो है आज जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये बाग जो है किसी और का है। करीबन 80 पौधे हैं यहाँ पर जो किसी और के हैं। तो ये जो है हर संडे को आते थे, इनकी जो है आज माता जी है जो माँ जी वो बीमार हो चुके हैं, तो आज जो है ये नहीं आ पाए यहाँ पर पानी देने। तो आज जो है उनके बदले जो है पूजा यहाँ पर पानी दे रहे हैं। तो इन्हें जो है आज मजदूरी मिल रही है, 500 रुपये देंगे, इन्हें दे दिया है। हाँ जी, कल ही आए थे, जैसे कि कल लंच के बाद आकर जो है मेरे को पार रास्ते पे बुलाकर बोला था आंटी जी ने कि पानी दे देना, तो हम कल नहीं आएंगे। तो मुझे आज एक दिन का 500 रुपये दिया हुआ है, तो आज एक दिन का मजदूरी मुझे मिला है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं काम कर रही हूँ। तो मैं सुबह 8 बजे से लग गई हूँ पानी देने, तो अभी जो है 10 बज रहे हैं। तो बहुत ही खुश हूँ, आज जो है मुझे मजदूरी मिल गया है। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि मुझे मजदूरी मिलने चाहिए। तो आजकल जो है दोस्तों खर्चा नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही थी। तो जो पूजा को जो है आज मजदूरी मिल गई, 500 रुपये मिलेंगे, तो ठीक है, थोड़ा खर्चा चल पड़ेगा घर के, घर का भी है ना। हाँ जी, मिल गया है 500 रुपये। तो दोस्तों दिखाते हैं आज का मौसम। आपको आंटी जी ने जो है थोड़े से आलू लगाए हुए है ना, धनिया लगाए हुए है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है आंटी जी ने आलू लगाए, यहाँ से लेकर वहाँ तक आलू लगाए हुए, ये धनिया लगाए गए हैं। तो ये कुछ फूल है। तो ये जो है वो आंटी जी का बगीचा है जहाँ पे मैं आज काम कर रही हूँ। काम तो नहीं है, मतलब उठाने का ऐसा कुछ काम नहीं है, बस मैंने सेब के पेड़ पे जो है पानी लगाना है। पहली बार जो है इस बाग पे पानी दे रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आंटी जी कहाँ से देते थे कहाँ से, फिर भी मैं जो है ऐसी नालियाँ देख देख कर पानी लगा रही हूँ। तो मैं कर लेती हूँ काम। तो आज हूँ मैं बहुत ही खुश, बस आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें मुझे जो है रोज़ मजदूरी मिल जाए। दोस्तों मैं दे रहा हूँ यहाँ पर पानी, पूजा जो है ऊपर है। 2 दिन के बज गए हैं 12, तो मैं जा रही हूँ घर खाना बनाने। और पानी जो है मैंने 8 से 10 पेड़ पे है बाट के लगा दिया है। तो सामने घर है तो खाना भी बनाऊंगी और बीच बीच पे जो है देखने भी आऊंगी। तो दोस्तों हो चुका है लंच का टाइम, तो पूजा ने जो है खाना बना दिया होगा, तो चलते हैं घर की तरफ, करते हैं लंच। तो दोस्तों लंच जो है अभी बना नहीं था, तो मैं आ चुका हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। कल की जो वीडियो थी आज अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों मैं करता हूँ वीडियो अपलोड, तब तक देखिए आप कुछ सुंदर से नज़ारे। आज जो है नेट काफ़ी स्लो है, वीडियो अपलोड होने में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो करीबन मेरे को 1 घंटा हो चुका है यहाँ पर वीडियो अपलोड करते हुए, तो वीडियो जो है काफ़ी स्लो लोड हो रहा है। तो अभी जो है मजदूरी का टाइम भी हो चुका है, तो मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। पूजा मुझे सुना रही है, बोल रही है कि हम तो क्यों नहीं हुआ अपलोड। तो आज लग रहा है कि नेट में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब सिग्नल तो फुल है फिर भी नेट नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो पूजा ने खाना भी तैयार कर दिया है, अब खाना खाएंगे, उसके बाद मैं चल जाऊंगा नीचे काम पे। तो पूजा जो है थोड़ी देर, मतलब पानी 4-5 पौधे में लगा के पूजा जाएगी फिर अपलोड करने के लिए। कल शाम को सब्जी नहीं था, सुबह सब्जी मंगाया था, आधा किलो बंद गोभी मंगाया था, तो मैंने बंद गोभी की सब्जी बनाई है।
हमारे चावल। हाँ जी, मैंने रोटी नहीं बनाया इस बार, तो जो हमारा आटा है बहुत ही खराब है ना, तो जो टेस्टी नहीं है। दोस्तों बहुत मुश्किलें होती हैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करना, तो बनाना, वीडियो बनाना, एडिट करना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, ऊपर से नेट नहीं चल रहा है। तो पीछे भी एक दिन जो है हमने वीडियो नहीं डाली, इस वजह से नहीं डाली, यहाँ पर जो है नेट नहीं चल रहा था। तो खाना मैंने डाल दिया है, अब हम खाना खाएंगे, फिर मिलेंगे आप सभी से लंच के बाद। तो दोस्तों लंच करने के बाद जो है जाके जो है वीडियो अपलोड हो गया है, तो मैं जाती हूँ अब नीचे की तरफ हसन जी को फोन करूँ। तो मैं पहुँच गई हूँ हसन जी के पास, ऊपर से जो है नीचे वाले बाग पे आ गई हूँ, तो हसन जी को देती हूँ अब फोन। तो फिर मुझे भी जाना है पानी देने, जैसे कि आपको बताया था आज जो है मैं मजदूरी कर रही हूँ, मुझे जो है एक दिन की मजदूरी मिली है। तो आज जो है बहुत ही हालात खराब हो गया है, तो मैं आपको मिलाती हूँ कुकू से जो आकर बैठा है इधर हस्बैंड जी के साथ। देखिए कुकू को, ये भी आज घर से बाहर निकला हुआ है। कुकू देखिए, मतलब खाना निकाल, तो हस्बैंड जी यहाँ पे पानी सिंचाई कर रहे हैं। देखिए पानी जो है आज बहुत ही कम है, मेन पाइप जो है ऊपर आंटी के बाग पे लगाया है जहाँ पे मैं सिंचाई कर रही हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम के टाइम पे काम के बाद। तो दोस्तों शाम के हो चुके हैं 4:30, धूप भी जो है जा रही है धीरे धीरे। तो अभी तक जो है काफी धूप हो रही थी, अब जो है अब काफी मजा आएगा काम करने में। आजकल जो है हवा काफी तेज हो रही है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप हवा की वजह से जो है नाशपाती जो है कितनी सारी गिर गई है, ये देख सकते हैं सेब नाशपाती जो है गिर रही है हवा से। तो दोस्तों मैं आया था पूजा के पास ऊपर, मैंने नीचे जो है 3-4 पेड़ों को लगा दिया है पानी, अभी आया था पूजा के पास। आज पूजा की मजदूरी जो है काफी महंगी पड़ रही है। हाँ जी, तो शाम के जो है अभी 6 बज रहे हैं, अभी भी जो है मेरा पानी सिंचाई खत्म नहीं हुआ है, तो मेरे को लगता है आज मेरे को रात हो जाएगा, क्योंकि मुझे आज ही खत्म करना है। एक पेड़ रह गए हैं अभी भी पानी देने के लिए, क्योंकि बहुत ही टाइम लगेगा। ये जो बगीचा है बहुत ही हाइट पे है, तो पानी जो है इस पे प्रेशर पे नहीं चढ़ता, इसलिए जो है बहुत ही टाइम लग रहा है। हेलो दादा, मैं भी मटर खड़ा अभी फिर पे थे। पूजा को आज जो है काफी टाइम लग जाएगा यहाँ पर, करीबन 7:30-8 बजे से पहले तो भारी कोनो मुश्किल लग रहा है मेरे को। तो आज जो है खाना जो है कौन बनाएगा? हस्बैंड जी। आज दोस्तों खाना मैं बना रहा हूँ, हस्बैंड जी बनाएंगे, जैसे बनाएंगे तो घर जाके पता चलेगा कि क्या बनाएंगे और कैसे बनाए, तो मैं आप सभी को बताऊंगी। तो जैसे कि सितंबर का आज हो गया है 3 तारीख, और ठंड जो है काफी ज्यादा हो गया है, बहुत ही ज्यादा, तो गर्म कपड़े का सुविधा करना पड़ेगा अब हम लोगों को, हमारे पास क्योंकि सर्दी वाले कपड़े नहीं है। पहले मैं जाऊंगा नीचे बाग में पानी लगा देता हूँ 8-10 पेड़ों में, उसके बाद आ जाऊंगा खाना बनाने के लिए, टाइम भी जो है 6 बजने लग गए हैं। दोस्तों पानी मैंने लगा दिया है सभी पेड़ों में, यहाँ से 8-10 पेड़ों में मैंने लगा दिया है, ये आराम आराम से जो है सिंचाई होता रहेगा। तो अभी मैं जो है बाल्टी लेके आया हूँ घर से, तो मैं जाता हूँ सबसे पहले नदी और पानी भर के लाता हूँ पीने के लिए। तो शाम के टाइम जो है दोस्तों ये पहाड़ देख सकते हैं आप कितने सुंदर लगते हैं, धूप जब लगती है इन पर ऐसा लगता है कि सोने के पहाड़ है, एकदम मस्त एकदम सुंदर। इस तरफ को तो धूप चली गई है, यहाँ देख सकते हैं आप पूरा, देख सकते हैं ऊपर। तो दोस्तों अंडे मैंने लगा दिए हैं बॉईल होने के लिए, अब ये बॉईल होते रहेंगे आराम से। तो मैं जाता हूँ कुछ बर्तन है धोने के लिए, तो ये बर्तन जो है धो के ले आता हूँ परे से। बर्तन धो के निकल जाएंगे, फिर अंदर 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 कड़ी बनाएंगे, फिर हम लोग खा, फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे, बताएंगे कैसे कैसे उलाते अंदर कड़ी।
तो दोस्तों अंडे जो है अभी बॉयल नहीं हुए हैं, एक बार जो है उससे पहले खाना बनाने से पहले जो है पूजा के पास जाके आते हैं। पूजा जो है ठंड से अकड़ गई है बिल्कुल। पूजा को जो है अभी टाइम और लगेगा, तो मैं चलता हूँ खाना बनाने ताकि पूजा आए घर में और घर में खाए और उसके बाद रेस्ट करे। तो दोस्तों चलते हैं घर की तरफ, करते हैं खाने की तैयारी। बूट जो है मैंने पूजा को दे दिया है, उन्हें जो है ठंड लग रही थी। तो दोस्तों जाते जाते जो है थोड़ा सा यहाँ से धनिया ले लेते हैं। तो ले लिया है थोड़ा सा धनिया यहाँ से, तो अब चलते हैं करते हैं खाने की तैयारी। प्याज और टमाटर, अंडों को जो है पहले मैंने तेल में फ्राई किया है। 5 अंडे डाले थे, एक तो फट गया है। तो दोस्तों टाइम जो है बहुत हो गया है, 8:30 बज चुके हैं और अभी भी जो है सेब की तौलिया 8 से 9 रह गए हैं। तो हमने पानी जो है सब पे बांट के लगा दिया है। रिदम जो है बहुत ही तंग कर रहा है कि घर जाने के लिए बोल रहा है, तो मैं जा रही हूँ घर के तरफ। अब हम सीधा खाना खाने के बाद जो है आकर देखेंगे। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम लोग घर, तो देखते हैं आज दोस्तों के हस्बैंड जी ने क्या बना के रखा है। कड़ी जो है मेरा फेवरेट है, देखियो हस्बैंड जी ने जो है फेवरेट बनाया। हस्बैंड जी ने जो है कड़ी बना के रखा है और मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे भी पसंद है, मुझे भी। तो अच्छा लग रहा है काम से आने के बाद जो है आज मुझे खाना बनाने को नहीं पड़ा, तो हस्बैंड जी ने बना के रखा है। अब भूख बहुत जोर से लगी है, खाना खाते है। दोस्तों मैंने तभी बनाया कड़ी, पूजा को जो है बहुत पसंद है इसलिए मेरे हाथ का ही खाती है ये कड़ी ज्यादातर। तो मैंने जो है आटे का ही बनाया, ये बेसन का नहीं बनाया और दही और लस्सी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अंडे डाले थोड़े, 4-1 अंडे डाल के मैंने जो है कड़ी बना दिया, आटे की कड़ी। ठीक है दोस्तों खाना पीना करते हैं फिर मिलते हैं। खाना पीना हो गया है दोस्तों, तो अभी जो है हम रेस्ट कर रहे हैं खाना खाकर। अभी जो है हमें जाना है पानी देखने, तो पानी देख के आने के बाद जो है फिर हम सो जाएंगे। तो आज सोने पे भी जो है हमें बहुत ही डर लग रहा है। आज जो है यहाँ पे भूकंप आ गया था सुबह के 5 सुबह, मैंने देखा था टाइम, सुबह 5:25 हुआ था, मतलब भूकंप आया था। पूरा ये हमारा घर जो पूरा हिल गया था और ऊपर से जो है मिट्टी और पत्थर गिर के जो है मेरे माथे पे लग गया था। डर के मारे जो है रिदम भी उठ गया था, तो पता नहीं क्या हुआ। आधा सेकंड का भूकंप था। हाँ, आधा सेकंड का, पौना सेकंड का भूकंप, पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। तो मुझे डर लग रहा है। क्या होता है भूकंप आने से? गिर भी सकता है घर। मुझे जो है पहली बार एहसास हुआ कि भूकंप आते समय कैसा होता है। ये जो हमारा घर है पूरा हिल गया था, पूरा ऐसे अजीब सा हिल गया था, तो बहुत ही डर गई थी। तो पता नहीं आज क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों आज का वीडियो जो है हमारा इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कल दोस्तों छुपे भूकंप आ गया था।